और नवरात्र में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्र में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है, ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो चलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। अत्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी अब की बार माताजी घोड़े पर आई है, हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्र आए वो घोड़े के आए, तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया, चिंता मत करना। मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है, साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी माँ भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना, मेरी माँ अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मार, साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान कर। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा महाराज। यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी माँ को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा, बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं, गुरु जी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं, उसका उत्तर है ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है।
बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर नौ बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा, नौ बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर पांच बार सात बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो नौ ही बार लपेटी जाएगी। पांच या सात बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो नौ बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं उसे? भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है, मेरा स्थान कहाँ है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं स्वयं। 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और कितनी महत्वता कलश की महाराज, आप लोगों से भी निवेदन है, चैत्रीय प्रतिपदा आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रे में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं आद्य शक्तियां सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं, उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं पाएगी। कलश का इस भगवान निर्मित कर दिए, ये कलश मेरा प्रतिबिंब है। आप कलश मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी, और मेरे भारत के जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं विदेश में भी,
पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? कलश रखते हैं ना। तो कलश किस लिए रखा जाता है, कलश का क्रम क्या है? अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है, पर ये नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब माँ आदिशक्ति की स्थापना होती है, माँ जगत जननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आधिकाधिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं।